हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ न्यू 9 प्रो फ़ोन है, तो IQ न्यू 9 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर अननोन ऐप्स वगैरह को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, IQ न्यू 9 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर और अननोन ऐप्स के जरिए कैसे किसी भी ऐप्स को इंस्टॉल करके कैसे अपने फ़ोन में इसका यूज़ कर सकते हैं और डाउनलोड करके ऐप्स वगैरह को कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे IQ न्यू 9 प्रो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि अननोन ऐप्स के जरिए ऐप्स को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और इसका आप यूज़ कैसे कर पाएंगे IQ फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप अननोन ऐप्स के जरिए कैसे ऐप्स वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं IQ फ़ोन में। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, आप देख सकते हैं शो हो रही है, तो आपको इसमें जाना होगा, सिस्टम सेटिंग्स पे बैक करना है और बैक करते ही आपको सेटिंग्स पे जाकर आपको यहाँ से ऐप सेटिंग्स पे चले जाना है। ऐप सेटिंग्स पे जाकर स्पेशल ऐप एक्सेस सेटिंग्स आपको मिल जाएगी, जहाँ से स्लाइड करते ही इंस्टॉल अननोन ऐप एक्सेस पे जा सकते हैं और किसी भी ऐप एक्सेस को अलाउ कर सकते हैं। जैसे आपके पास है क्रोम एक्सेस, तो क्रोम एक्सेस को यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। अलाउ करते ही आप क्रोम ऐप्स के जरिए किसी भी ऐप्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐप्स को इंस्टॉल कर दिया, हमने एक्सेस अलाउ कर रखा है। एंड आप इसको डोंट अलाउ कर देते हैं तो आपके फ़ोन में कोई भी ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं क्रोम आइकन्स के जरिए तो ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोर्सेस हमारा ऑफ है। एंड आप सोर्सेस को ऑन करके ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं IQ न्यू 9 प्रो फ़ोन में और अननोन ऐप्स का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।